सरसों की फसल तैयार होने में अभी काफी वक्त है, फिर भी इसके दाम में गिरावट शुरू हो गई है। देश के दो बड़े सरसों उत्पादक प्रदेशों में भाव लगातार गिर रहा है। देश के कुल सरसों उत्पादन का करीब 41% अकेले राजस्थान में पैदा होता है, जबकि हरियाणा की हिस्सेदारी 13% की है। नवंबर में इसके दाम में काफी तेजी आई थी, दाम लगभग 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी देखे गए थे, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट जारी है। ज्यादातर मंडियों में अधिकांश किसानों को 5 से 6 हजार रुपए का औसत दाम मिल रहा है, जबकि तिलहनी फसलों की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है। अपने देश में खाद्य तेलों की मांग सालाना करीब 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन सिर्फ 112 लाख टन ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरसों की कीमतों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर जानकारों का कहना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार लगातार खाद्य तेलों के दाम कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हाल ही में तेल तिलन पर स्टॉक लिमिट भी लगाई गई, खाद्य तेलों पर 4 बार इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, वायदे के खेल पर नकेल कसी गई है। कोशिश यह है कि चुनाव तक दाम किसी तरह से काबू में रहे, वरना सियासी नुकसान होगा। सरसों के दाम में नरमी की एक और वजह यह है कि पिछले वर्ष दाम अच्छा मिलने की वजह से इस बार इसकी खेती का दायरा काफी बढ़ गया है। एक सर्वे के अनुसार माना जा रहा है कि 2022 में सरसों का उत्पादन 2021 के मुकाबले लगभग 30 से 40% अधिक रह सकता है। इन सब कारणों की वजह से अभी सरसों का दाम कम ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका रेट MSP से नीचे आने की संभावना काफी कम ही है। इस समय सरसों की MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।